Today we will solve question number 6 to question number 9, exercise 10.3 NCERT class 8 math. जैसा भी पता है कल पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक बल्कि 6 तक सॉल्व कर लिए थे 5 तक सॉरी तो टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8 ऑफ एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट वी विल डिस्कस द यूलर्स फार्मूला व्हाट इज यूलर्स फार्मूला यूलर्स फार्मूला इज f + b - e इज इक्वल टू वेयर f इज फेसेस b इज वर्टेक्सेस and E is edges of a solid. अब याद करने का तरीका बता देता हूँ मैं वैसे तो सबको याद रहता है लेकिन कभी बाद में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि F में प्लस था कि B में प्लस था कि E माइनस था कि इक्वल तो याद रहता है कि इक्वल में टू है यहाँ पर भी हमने देखा है स्टूडेंट्स गलती कर दें कहीं माइनस बी लगा देंगे कहीं पर माइनस ई बहुत सिंपल तरीका है आजकल फेसबुक चल रही है फेसबुक मतलब एफ पी है ना तो ये एफ पी याद रखो आप ध्यान रखो अल्फाबेटिकल ए बी वाला होता है या बी है एफ बी से याद रहेगा तो हम क्या है अगर फेसबुक पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो किसका लॉस होगा माइनस क्या होगा एजुकेशन ई फॉर एजुकेशन याद करने का तरीका आप कैसे याद कर सकते हैं तो ये मैंने अपना याद करने का तरीका बना रखा है कि फेसबुक पर हमने ज़्यादा फोकस करा तो माइनस हो गई एजुकेशन और नंबर कितने आए ओनली टू फेजा है ना ओके सही बात नहीं फॉर्मूला अच्छा है याद करने का एफ प्लस बी माइनस ओके अब इसमें कितनी फेस हैं कितने बेसिस हैं कितने सॉरी वर्टेक्स हैं कितने एजेस हैं पॉली होटल में दे रखी हूँ उसको काउंट करके हम इसमें पुट कर देंगे एफ प्लस बी माइनस सी और इक्वल अगर टू आता है तो यानी कि जो भी गिविन है वो किसी सॉलिड्स के हैं किसी पॉली हेड्रन के हैं अदरवाइज वो गिविन नहीं होंगे सॉलिड किसी सॉलिड्स के नहीं होंगे अभी क्वेश्चन करेंगे अब देखो एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला बता देते हैं कि पूछते नंबर ऑफ फेसेस इन ए प्रिज्म प्रिज्म में फेस कितने होते हैं ये प्रिज्म है कल हमने डिस्कस करा था इससे पहले वाले वीडियो में प्रिज्म बेस डिपेंडेड बेस क्या है बेस इसमें है हेक्सागन यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इसमें है सिक्स बेस की तो कितनी होंगी एन प्लस टू कैसे हो गए सिक्स साइड्स है तो सिक्स से सिक्स रेक्टेंगल जाएंगे और एक टॉप का और एक बेस का तो सिक्स है तो सिक्स तो ये एक टॉप एक बेस तो कितने हो गए एन प्लस टू और नंबर ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ ए प्रिज्म वर्टेक्स प्रिज्म के कितने हैं कितने हैं ये इसमें गलत लिख दिया है टू एन होंगे वो सॉरी सही करना ये टू एन प्रिज्म के टू एन कैसे होंगे वो यहाँ देखो पेंटागन है तो फाइव वर्टेक्स हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सॉरी हेक्सागन तो सिक्स और सिक्स नीचे हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो टू एन टू इंटू सिक्स ओके नाउ नंबर ऑफ फेसेस इन पिरामिड पिरामिड का फेस ये पिरामिड है ये पेंटागन है तो एक फेस तो ये हो गया और पांच पेंटागन में फाइव साइड से तो फाइव ट्रायंगल लेंगे तो फाइव लेटर फेस और वन फेस तो फाइव प्लस वन सिक्स हो गया यानी कि एन प्लस वन ही जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस इन ए पिरामिड सिमिलरली नंबर ऑफ वर्टेक्स नीचे क्या पेंटागन तो देखो फाइव वर्टेक्स वन टू थ्री फोर फाइव और ऊपर एक ही होता है तो एन प्लस वन तो एन प्लस वन ओके नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सिक्स वेरीफाई यूक्लिड्स फॉर्मूला ऑफ दिस फिगर इन फिगर फर्स्ट इट इज ए पेंटागन प्रिज्म तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट एक पेंटागन प्रिज्म दे रखा है फिगर में ये फिगर है देखिए यानी फिगर है ना ऊपर बेस का पेंटागन तो हमने बताया था नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे पेंटागन था फाइव है तो कितने फेसेस हैं है ना टेन फेस हुए तो एफ की वैल्यू कितनी इसमें है सॉरी एन प्लस टू फेस कितने एन प्लस टू तो इसमें फर्स्ट पहले फेस लिख लो नंबर ऑफ फेसेस इज फाइव प्लस टू इज इक्वल टू सेवन वर्टेक्स कितने हुए टेन टू एन और एजेस कितने एजेस इसमें काउंट करो कितनी होगी देखो एजेस कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव है ना सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके और नीचे फाइव फिफ्टीन होगी एजेस इज फिफ्टीन अभी फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड लो यूलर्स फॉर्मूला से वेरीफाई करना है तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ प्लस बी माइनस ई इक्वल अभी इक्वल टू आना चाहिए वैल्यू पुट करते हैं द वैल्यू ऑफ एफ इज सेवन द वैल्यू ऑफ वर्टेक्स इज 10 माइनस 15 तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो गया 17 माइनस 15 इज इक्वल टू और इक्वल में क्या होता है टू आ गया तो वेरीफाई हो गया है ना इट इज वेरीफाइड नाउ सेकंड पार्ट इन सेकंड फिगर इज गिवन अ फिगर इज गिवन नीचे क्यूबॉइड ओ क्यूबॉइड के ऊपर
एक इन्होंने स्क्वायर पिरामिड रखा हुआ है ना, तो मेरे पास एक फिगर है, मैं इसको दिखा सकता हूँ, एक क्यूबॉइड और एक स्क्वायर पिरामिड, देखो दिस टाइप ना, सेकंड पार्ट ये क्यूबॉइड है और ये, तो इसमें फेस कितने हैं, देखो फेस कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके, तो नंबर ऑफ फेसेस इज 9, सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ फेसेस इज 9, वर्टेक्स काउंट करो, वर्टेक्स कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, वर्टेक्स इज आल्सो 9, एजेस 16 है, कैसे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ages is 16. Now apply Euler's formula, left hand side low, F plus V minus E. F plus V minus E is equal to 9 plus 9 minus 16. 18 minus 16 equal to 2. Okay, so it is also very fine. Now question number 7. Using Euler's formula, find the unknown. इसमें faces, vertexes, edges में से एक चीज मिसिंग है. जैसे फर्स्ट पार्ट है faces निकालना है और इसको क्या करते हैं, इसको erase कर देते हैं. जल्दी करता हूँ, सेम है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, फेसेस मिसिंग है, फेसेस हमें फाइंड करना है, एंड वर्टेक्स 6, एजेस 12, वर्टेक्स 6, एजेस 12, पुट द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज एफ प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2, पुट दिस वैल्यू, एफ प्लस बी 6 माइनस 12 इक्वल टू 2, तो एफ माइनस 6 इक्वल टू 2, तो F is equal to 2 plus 6, तो faces will be A, तो in first part faces will be A. Now second part, in second part we will find faces is given, edge is given, find करना हमें vertices, तो put कर दो इसके second part में, faces is given equal to 5, vertex we will find and edges is given 9. Again, apply Euler's formula, F plus B minus E is equal to 2, put the value of F, it is 5, B we will find, ages is 9, equal to 2, 5, मैं से 9 separate का, तो minus 4, equal to 2, तो 2 plus 4, minus 4 transfer का, तो positive हो गया, तो in this part, number of vertices will be 6, last part of question number 7, F, V दे रखे हैं 20 and 12, third part इसका, faces is equal to 20, vertex is 12 and find its edges. Again apply Euler's formula, F plus V minus E is equal to 2, put the value of F, V, the value of V is 12, E we will find equal to 2, 32 minus edges equal to 2, 32 minus 2 equal to E, and E is equal to 30. The number of edges in this solids will be 30. Now last part, question number 8. Can a polyhedron have 10 faces? The question number 8. Now question number 8. In this question, faces is given 10, edges is given 20 and vertex is given 15. एंड पूछा है क्या ये पॉलीहेड्रन हो सकता है, तो हम यूलर्स फॉर्मूला पुट करें, एलएचएस लेके वैल्यू पुट करें, अगर इक्वल टू आता है, इफ इट इज वेरीफाइड दिस इक्वेशन, देन इट विल बी अ पॉलीहेड्रन, अदरवाइज नॉट, तो वैल्यू पुट करो उसमें, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस, एफ प्लस बी माइनस ई, द वैल्यू ऑफ एफ इज 10, द वैल्यू ऑफ बी इज 15 एंड द एजेस इज 20, 25 minus 20 is equal to 5, which is not equal to 2. Solve करने का 2 ही आना चाहिए. 2 नहीं आया, it means this face, edges and vertex is not on in a polyhedron. मतलब ये किसी polyhedron में हो ही नहीं सकता, जिसकी face 10 हो, edges 20 हो, vertex 15 हो.
ओके, उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको समझ में आए तो लाइक करिए वीडियो को, और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर समझ में आए तो उसके बारे में कमेंट करें। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए नीचे बेल आ रही है, जिससे कि जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपके पास सारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।